गाइस आज पता है क्या है, आज सोनिया की मम्मी का जन्मदिन है। हाँ सोनिया हंस रही है, देख इसकी मम्मी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं उस चीज के लिए माफी चाहती हूँ कि मैंने उस टाइम में ना रिकॉर्डिंग नहीं करी थी उस चीज की। ये बंदा रूम के अंदर ऐसी हरकतें कर रहा था, वो आप लोगों ने देखा होगा 90-20 लंदन मूवी भूत की, उसके अंदर वो चलती उल्टी होके ये बंदा वैसे चल के पानी पी रहा, फिर यू गर्दन को टेढ़ी करके हरकतें कर रहा। मतलब बहुत बहन, कभी भी कोई मुसीबत में आ जाए, वो एक लड़की है सही है, तो तेरे भाई को फोन उठाना चाहिए। ये तेरे भाई का फर्ज बनता है, एक भाई का फर्ज बनता है कि अपनी बहन का फोन आ रहा था, फोन उठाना चाहिए। तुम्हारा कहीं और अफेयर है या नहीं? है ना अफेयर। कौन है? मैं तुझे बता दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा अफेयर का। सही बात है। और अगर मर्द अपनी बंदी का होते हुआ भी किसी और को ताक रहा तो उसको क्या कहना चाहिए? मुंह मारना? नहीं नहीं। तो गंदी बात। हे गाइस, मेरी तरफ से और वीर सम्राट की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। सो गाइस कैसे हो आप लोग? अभी ना मॉर्निंग के 11:30 बज रही है और मैंने फास्ट किया है, एंड अभी ऐसा हो गया कि इसको मैं जैसे बाहर भेज रही हूँ बारिश आ रही है, और अभी इसको मैंने अंदर बुलाया बारिश कम हो गई और अब वापिस आ गई। मेरे को लगता बारिश चाहती नहीं बाहर जाए। और आज ना गाइस है ना, मतलब चौपाटी पे कल आपको दिखाया था वो तैयारी हो रही थी, रात को हम गए थे, खतरनाक भयानक मौसम हो रहा था, बारिश का मौसम, तो कल रात को मतलब वो तैयारी चल रही थी ना वहाँ चौपाटी पे, तो आज वो फंक्शन है तो हम लोग जाने की सोच रहे हैं, क्या पता हम जाए जब तक खत्म नहीं हो जाए, तो अभी हम जाने की सोचेंगे है ना। बल्कि बारिश का मौसम ऐसा ही है, इसको मैं कहती हूँ रेनकोट ले ले, रेनकोट ले ले, लेकिन नहीं, अरे अपन क्या करेंगे रेनकोट का, ये फायदे देता है रेनकोट? क्या फायदे देता है? गीला नहीं हो गए। कल रात को ना गाइस मतलब इतनी गंदी बारिश आ रही थी और हम लोग बीच बीच में रुकते रुकते आए। वहाँ घाटी में भी रुके थे ना? हाँ। बारिश आ रही थी और बताओ वहाँ पे ना खड्डा हो रुका, खड्डे में बार बार लोग गिर रहे थे ना सुने। हाँ, एक तो बेचारा सब्सक्राइबर था जो हमारी वजह से गिर गया। हाँ, देखते देखते। तो इसलिए गाइस मैं आप लोग कहती हूँ यार, हम जब भी मिले ना तो प्लीज आगे जाके या तो रुक जाया करो, फिर आगे जाके हमें रोक लिया करो, लेकिन ऐसे बाइक पे चलते हुए पीछे देख के मत रोका करो, अगला इंसान भूल जाता है आगे भी कुछ है रास्ता। तो चलो अभी इसको मैं भेजती हूँ, ले कम हो गई अब जाओ। उसके साथ क्या हुआ, वो लड़का है ना, हम लोगों को देखने के चक्कर में, ये मतलब आगे घुमा भी था, और ऐसा भी नहीं अनजान लड़का था, वो सब रोज घाटी से आता जाता था, बंदे को पता है कि आगे घुमा हुए, फिर भी वो ना मतलब मुझे देख कर तेज लाया, मतलब गाड़ी को एकदम, और एकदम ना मतलब रोका नहीं, बोला हाय वीर भैया, और सीधा आगे जाकर घुमा, में उससे गाड़ी घूमी नहीं, आगे गाड़ी भी संभाल ली उसने, लेकिन घूमते घूमते आगे क्या वो रोड ऊपर नीचे थी, रोड ऊपर नीचे थी और वो बंदा गिर गया वहाँ पे, भयंकर वाला गिर गया। मैंने पहली बार देखा, गया गाड़ी का मनगाट टूट गया, जैसे ही मैंने आगे जाकर गाड़ी को रोकी, फटाफट उसकी गाड़ी को उठाया, उस बंदे को उठाया, लगी हुई तो नहीं उसको, फिर उसकी स्टैंड ना बार बार वो स्टैंड का स्प्रिंग पता नहीं कहाँ गिर गया, तो नीचे बालाजी का मंदिर था तो वहाँ से रस्सी ली, फिर उसकी स्टैंड बांध दी, फिर उसको भेजा मैंने। कोई ना, आप ध्यान रखा करो यार, देखो आपका भाई हूँ मैं, तो अगर रास्ते में कहीं भी मिलता हूँ तो आगे जाके गाड़ी रोक लिया करो आपकी साइड में जाके, और मुझे हाथ दे दिया करो, मैं रुक जाऊंगा, ठीक है ना, समझ रहे हो? रुको गेट तो बंद करने दो। बंद गया। चलो 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 चलो। मैंने जब से वो भूत का वीडियो देखा ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आऊँ जब तक ना लेना, ताकि अपन अजमेर चलेंगे। ओके सर, ओके सर, बारिश वापिस आ गई, अब क्या करूँ? रुक जाओ, हटा पेड़। मैंने जब से वो भूत का वीडियो देखा ना गाइस, मतलब रात निकालना मुश्किल हो गया मेरे को, बहुत डर लगता है मेरे को, मैं आंखें बंद करती हूँ तो मेरे को वाइट वाइट आंखें नजर आती है भूतनी की। जाएगा जल्दी आ। अच्छा हुआ मैंने इसको नहीं भेजा, बारिश तेज आ गई, अब तो मेरे को भूख भी लगने लग गई। इस रात को भी मैंने एक रोटी खाई थी, बल्कि मेरे को ना पता क्या टाइम हो गया था, रात को 12:53 हो गई, नहीं 11:53 हो गई थी, तब मैं खाना खाने बैठी, बल्कि कल संडे था, ये जनाब बाहर गए भी थे, ये 11:30 के समथिंग आया ना तू, नहीं 11:10 या 11:20 के समथिंग ही बंदा आया, फिर इसको मैंने खाना वाना दिया, ऐसे 11:50 हो गई और मेरे को एकदम से याद आया कि कोई जन्माष्टमी, मेरा व्रत 12:00 तो नहीं बज गई, पता चला 10 मिनट ही खाना खिलाया मैंने इनको, तो फिर उसके बाद में 10 मिनट थे तो मैंने एक रोटी खाई, और अब मुझे भूख लग रही भयंकर वाली यार, अब मैं क्या खाऊं? भूखा रहना चाहिए इंसान को, फास्ट का मतलब क्या निकलेगा? एक काम करती हूँ, चलो मैं नहीं बनाती। तो गाइस अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली है, मैं नहा धो के रेडी भी हो चुकी हूँ, तो मैंने अब वीर को मैंने मेरी पैंट ही दी थी जिनके ना चैन वगैरह लगी हुई नहीं थी, तो मैंने उनको कहा था कि ना यार इनके चैन लगा के ले आना, लेकिन अभी लग ही नहीं रही, दुकानें बंद है, अभी कह रहा मैं जाके कहीं से करवा के ले आऊंगा 2-3 दिन में, बट अभी मैं ना सोच रही हूँ ये जो पहने वो ही पहन के चले जाऊँ बाहर, में सोच रही थी येलो कलर का जो मेरा कुर्ता मैंने मंगाया था वो पहनूँ, लेकिन बारिश में गीली हो गई तो
अभी सागर बना रही हूँ मैं, मेरा आलू का ज़्यादा बना रही हूँ ताकि वो भी खा ले, बल्कि उसने भी कुछ नहीं खाया है। जो मैंने रात को सब्जी बनाई थी राजमा की, वो ख़राब हो गई ना इसलिए। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने के लिए, बल्कि जन्माष्टमी वाले दिन हम लोग गए नहीं थे, तो अभी इस मिट्टी से निकलना है। बल्कि मुझे डर लगता है मिट्टी के अंदर यार गिरने का बहुत ज़्यादा, मुझे उतार देते तुम। अभी हम यहाँ पे रुके हैं, पिछली बार भी हम पहले आए थे जब भी यहीं रुके थे, मैंने आपको बताया था इस जगह ना शांति है, पर यहाँ पे ना वो रहते हैं, यहाँ पे गड्ढे में रहते हैं। और मैं इसको कह रही हूँ अगर मेरे में अगर भूत नहीं घुस गई तो तुम क्या करोगे बताओ। रोज चाटा देव पकड़े झुंडा पकड़े या 3 के बार तो बछड़ा देव जमीन पर। और पता चला मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तुम तो हाथ साफ कर लोगे मुझे मार के। और यार है ना, मैं एक चीज बताना चाहती हूँ गाइस, है ना, मैं उस चीज के लिए माफी चाहती हूँ कि मैंने उस टाइम में ना रिकॉर्डिंग नहीं करी थी उस चीज की। ये बंदा रूम के अंदर ऐसी हरकतें कर रहा था, वो आप लोगों ने देखा होगा 90-20 लंडन मूवी भूत की, उसके अंदर वो चलती उल्टी होके, ये बंदा वैसे चल के पानी पी रहा, फिर यू गर्दन को टेढ़ी करके हरकतें कर रहा, मतलब बहुत अजीब तरीके से, बहुत गंदी, मतलब कहते ना यार इंसान डर जाए ऐसी हरकतें कर रहा था, ये मुझे डरा रहा था। अब मैं ये सोच रही हूँ रात को सोऊंगी कैसे। तू कैसे सोएगी, कैसे सोऊंगी, तुम्हारे पास कैसे सोना, तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं कैसे डराने के सिवाय, दिन भर फोन में घुसे हुआ रहेगा, दिन भर फोन में घुसे हुआ रहेगा रात को 2 बजे तक। और तू, मैं आपकी तरह रात के 2 बजे तक फोन में नहीं रहती हूँ। बाहर सामान ले, जब मैं सामान लेने गया था ना बाहर, जब मैं वापस आया ना मैंने सोचा सोनिया ना लेगी, जब मिठाई लेने लेकर आया, एक तो किसके लड्डू, वो मक्खन पेड़ बेसन के लड्डू लाया था, जबकि केके गया था मोतीचूर के लड्डू लाने जा रहा। हाँ ठीक है, वो पसंद आ गया इसलिए लिया। क्यों लाया, वो सही नहीं थे, तो इसलिए मैं वापस आया कम से कम 1 घंटे बाद में, मुझसे सोनिया ना ली तो बाबा के पर्सा चढ़ा दी, और तो वही बट फोन चला रही है, बेटे कुर्सी पे टुडिंग टुडिंग वो क्यों रहा रहे हुआ। मैं सीरियल देख रही थी यार, मैं कुछ देख रही थी, चलो छोड़ो अभी रील्स वगैरह बना लेते हैं। क्या पीछे देखो नजारा उधर सूरज का, देख लो गाइस मेरे पीछे का नजारा, चलो चलो रील्स बनाओ। क्या नाम है सर आपका? वीर सम्राट, वीर सम्राट गंगू तेली। क्या नाम है आपका? गंगू तेली। नाइस नेम, लोंडो का नाम ऐसे होता है गंगू तेली ना, आप लोग कमेंट में बताना सब। सुन ना इधर कर, कमेंट में बताना कि इसका मुंह मोटा हो रहा है, इसके गाल निकल रहे हैं, मेरे को सच सच बता कौन सी लड़की है जो तेरे इतने गाल खींच रही है, मेरे अलावा भी तेरा कहीं और अफेयर है या नहीं है? सच सच आज मेरा चेहरा साफ दिख रहा है। मैंने कहा सच सच बताना तुम्हारा कहीं और अफेयर है या नहीं है। है ना फिर कौन है वो, तुझे बता दूंगा तो फिर मतलब क्या रहेगा अफेयर का। सही बात है, तेरे गाल इतने क्यों निकल रहे हैं, मैं तो तेरे गाल खींचती नहीं हूं। गाइस इससे बताओ मैं ज्यादा गोरा दिख रहा हूँ या ये गोरी ज्यादा दिख रही है, बताओ कमेंट करके बताना। अरे यार मेरे को टेंशन है इसलिए मैं काली पड़ी। टेंशन नहीं है, रात भर फोन में यान घुसोड़ रहे हो, यान 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 घुसोड़ रहे हो ऐसे, आपको समझ में आ रही है मारवाड़ी, मतलब ऐसे घुस भी रहती है ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे, फिर देखती रहती है, फिर आंखें खराब नहीं होगी क्या इसकी? मेरी आंखें इसकी वजह से खराब होती है, ये बंदा रात को 2-2 बजे तक फोन में घुसा रहता है मुझे और फोन में रखता है डाल के। चल चल दूर दूर हट, चली जाऊंगी सही जिंदगी से, किसी दिन रोता रह जाएगा तू, नहीं मिलेगी तेरे को मेरी जैसी गर्लफ्रेंड, तेरी जैसी ये भी नहीं मिलेगी भी नहीं। दूसरी गिरती गिरती बची यहाँ पे देखो खड्डे में। और तू क्या कर रहा था? मैं तू बस खड़ा था, मैं देख तू मौका देख रहा था कभी लड़की गिरे और कब कोई देखे नहीं, कब मैं हंसू तू गिरे कब मैं हंसू यार, ऐसा देख ऐसा लड़कियों के जल्दी फॉलोवर्स होते हैं यार। हाँ? वो तो पता है मुझे सोनिया, बल्कि तुम वही तो देखते हो, देखो तुम है ना वॉइस डालते हो, तुम्हें वॉइस करेक्टर हो, तुम डायलॉग डालते हो, बहुत सारे लड़के होते हैं पोस्ट डालती, पोस्ट में छोटे छोटे कपड़े पहनकर डालती है, तो लोग ऐसी चीजें पसंद करते हैं, और लड़कियों को सब देखना पसंद करते हैं, ठीक है ना, छोटे छोटे कपड़ों में। एक सेकंड, मैं तुमसे भी कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ। मेरे सर पे हाथ रखो पहले और कसम खाओ कि तुम छोटी वाली छोटे कपड़े वाली लड़कियां कितनी देखते हो अपने फोन में, और कितना अभी जूम अभी, अभी देखना पसंद अभी की नहीं की? जूम तो कभी नहीं कराया आज तक, नहीं मुझे नहीं दिखाता था, बाबू उसकी थाई से की थी, इसको जलाने के लिए दिखाता था ये, क्या मेरे सामने तुझे जलाने के लिए ना, मुझे ये चीज वो दिखाता था, मैं सच बता रहा हूँ मुझे, तुम मुझे पता क्या कहते हो कि लड़की को कभी भी अपने मर्द के अलावा किसी और को नहीं ताकना चाहिए, और अगर मर्द अपनी बंदी के होते हुआ भी किसी और को ताक रहा तो उसको क्या कहना चाहिए, मुंह मारना? नहीं नहीं तो रंडी बाज और क्या, तो सही बोल रहा हूँ मैं तो, सॉरी गाइस मैं यहाँ पे ट्यून डालूंगा ट्यू ऐसा वाली ना, पैसे मेरे उसमें मेरे पास तो पैसे ही पैसे हैं,
हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे ही पैसे हैं। गाइस है ना अभी यहाँ पे रील वगैरह बना रहे थे और कुछ बच्चे आ गए परेशान करने के लिए और बहुत भयंकर परेशान कर रहे हैं सच में। ये सोनिया क्या ऑर्डर कर रही था? मेरे को ट्यूब मंगानी है यार। कोई बात नहीं, मैंने इसकी ट्यूब ऑर्डर कर दी पहले ऑलरेडी, ठीक है ना, ऑर्डर कर दी मैंने, ठीक है ना। हमें आए हुए गाइस, हमें यहाँ पे आए हुए थोड़ी सी देर भी नहीं हुई, देखो बारिश आ रही है, ये बादल बारिश लेके आ रहा है इधर की तरफ। अब मैं इसको कह रही हूँ चल छुपते, तो मुझे कह रहा है इतनी सी बारिश में ना कुछ नहीं होगा, चौपाटी पे भी तो थोड़ी सी बारिश आई थी, क्यों भाग रहा था वहां से मेरे को ले लेके? उस दिन की कह रही हूँ मैं, पर कल की कल की कह रही हूँ, कल की बारिश तेज आ रही है, भीग जाएंगे। अब चलो, अब भाग रहा है, देखो जब भागना चाहिए था तब नहीं भाग रहा था। बारिश तो रुक गई गाइस और अभी हम लोग जा रहे हैं, ये रुक रहे हो यहीं? और राम यहाँ पे टट्टी बास रही है बंद कर, बहुत गंदी बदबू आ रही है इसको देखो मुंह बंद करा। जो मेरे को लग रहा है यहाँ पे जितने भी यात्री आए हुए ना वो इधर ही आते हैं पहाड़ों में खुले में, ढोल बजाने की कोशिश कर रही है। ठीक है फिर अपनी शादी होगी ना ढोल बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों की तू ही बजा लेना, ठीक है, क्या पागल हो गई? चले अब ले लियो, घर ही तो है। अब यार थोड़ा सेफ रखेंगे यार, आ जा पहले मीठा नीम का पौधा तोड़ना है मेरे को। ले मटकी पकड़, ऊपर रख के आ जा यार। गाइस आज पता है क्या है, आज सोनिया की मम्मी का जन्मदिन है। हाँ सोनिया हंस रही है देख, इसकी मम्मी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। कौन कह रहा है ये? मैं बोल रही हूँ जो लड़ता रहता है मम्मी से एनी टाइम। तेरी मम्मी की उम्र बहुत लंबी हो जाए, तेरी मम्मी 100 साल जी है, ठीक है। हाँ कोई मतलब नहीं है। क्यों क्यों क्या बता, क्यों नहीं घर जा नहीं सकती? चल जाना था, मुझे तो पता भी था, मेरे भाई ने स्टेटस लगा रखा था, रात को लगाया था उसने। तो चल जाए, मैं तो बोल रहा हूँ सरप्राइज दे देख बढ़िया। अभी नहीं जाऊंगी, मेरी भांजी नहीं है घर पे, तो कोई बात नहीं ना। तो भांजी तो एक ना दिन उसके घर पे जाएगी ना भाई, इसकी भांजी है तो उसकी मम्मी तो लेके जाएगी ना उसको, सही बात है ना भाई। जैसे मेरी सिस्टर की कोई अगर लड़की हो या तो वो तो लेके जाएगी ना, वो कब तक यहाँ पर रहेगी मेरे पास में? तो वही बात है कि वो भी चली गई उसके घर पे, अपने घर पे गई नहीं है, उसको लेके गई है मेरी बहन लड़के घर पे। अच्छा घर पे आई थी वो लड़े करी उसके लिए, लड़ेगी तो उसकी बेटी है वो। फिर मैंने लड़ी थी उस दिन जब तू घर पे आया था मेरे घर पे, मेरी मम्मी तुझे गालियां दी थी। तो मैं तो बोल रहा हूँ देखो यार, मम्मी पापा तो डांटते रहते हैं, वो सब चीज भुला के तेरे को जाना चाहिए घर पे, सही बोल रहा हूँ। लोग तो रखा उन लोगों ने मुझे, तो क्या होगा, तो इज्जत नहीं है उन लोगों को, मेरे को मेरी नहीं उनको, मेरी जन्मदिन है, चल जा। तुझे लगता है मैं घर पे जाऊंगी बोलूंगी हैप्पी बर्थडे मम्मी, मेरी मम्मी बोली मेरी बेटी आ गई, ये नहीं बोलेगी, निकल यहाँ से जैसा ही वैसे निकल ही बोलेगी। क्या मांगती सर, अब क्या लेना है कुछ नहीं, तो तेरी तरफ से जाके आ जाना भाई, बोल देना और क्या, मिठाई का डब्बा लेके चल जाओ उसका फेवरेट, जैसे वो बोले नहीं सुन नहीं सुन, जैसे तेरी मम्मी बोले देख कल तू मेरे घर से जब तक लड्डू फेंकती सीधे मुंडा घुस जाए, किसका लड्डू, वो भी बेसन को, तेरी मम्मी ने बेसन का लड्डू पसंद है, इसकी मम्मी को बेसन का लड्डू बहुत पसंद है, तो मैं बोल रहा हूँ लेकर चले जा मेरी तरफ से, तो बोली 1 किलो लड्डू लेके चले जा रही है। क्या बोलना, क्या पूछेगी, पूछ अभी, लगा फोन मेरे सामने, लगा फोन गाइस, इसके भाई को फोन लगाते हैं और फिर पूछते हैं क्या सीन है घर का, है ना। मैं पास में जाऊं उधर पास में, तू तो मेरे पीछे पड़ा, हाथ धो के पीछे पड़ा है तू मेरे। वाह ये बना रही है चावल मेरे लिए खाने के लिए मस्त वाले। तारो भाई सेटिंग में बात कर रही हो देखिए, मैं तारा फोन तो शायद उठाए हो, अगर तारा सगा भाई हो ना तो फोन टाले हो, वो काम करता है सामान सप्लाई करता है यार कार्टून वगैरह। इसका भाई, इसका फोन यार, एक भाई को फोन करना चाहिए बेन का, वो भी बेन का फोन आ रहा है भाई, इमरजेंसी रहती है कभी भी बेन को कोई दिक्कत हो जाए तो भाई को फटाक से फोन उठाना चाहिए। गाइज आप लोगों की बेन आपको अगर कॉल करें तो आप जल्दी जल्दी फोन उठाओगे ना, तो वो ये बेन कभी भी मुसीबत में हो सकती है, एक लड़की है वो, बड़ी मुसीबत में हूं मैं अभी। एक तो लड़की है, लड़की की फीलिंग में समझ सकता हूँ क्योंकि मेरी भी एक बड़ी बहन है, ठीक है ना, मेरी बहन का फोन आता था मैं उठा लेता हूँ फटाक से, ठीक है ना, समझ रही है? हाँ समझ गई अब। हाँ ठीक है बढ़िया था, सुना मैं उठा लिया गए फोन उठा लिया, तीन फोन कर, जब उठाया उसने एक बार लोड़ी स्पीकर, मैं सुनाता हूँ गोलू को कुछ है ना, सुन कुछ बोले, फोन स्पीकर पे रख। हेलो लोड़ी स्पीकर खोल, फोन स्पीकर पे है ना।
अरे सुने, सुने? एक नहीं मेरी बात सुन, एक एक भाई का फर्ज बनता है कि एक अपनी बहन फोन करे तो एक फोन में फोन उठा ले वे। अरे भाई का फर्ज बनता है कि बहन फोन करे तो फटाफट उठा ले वे। मेरा हो गया देखिए, सुनता ही नहीं तेरा भाई। ले सुना? ये देखो ये सुनी तेरा बेरा हो गया। ये अगर आऊँ तो फिर मम्मी ना तक नहीं करेगा, पूछे था फोन करके एक दिन के लिए। आज आए कहाँ लाए? अरे आज आए थे, उसका जन्मदिन है ना। चल रुक तो एक मिनट रुक, मैं थोड़ा दुकान पर हूँ, मैं मम्मी से बात करके तेरे को फोन करूँ। ठीक है तू बता फिर, मैं मिठाई वगैरह को देखूँ। अब तो बंद कर दे इसको। क्यों बंद करो? देखो खुशी घर पे जाने की खुशी, मायके जाने पर खुशी, खुशी देखो इसके चेहरे पर खुशी। हाँ, जैसे कि तूने शादी कर ली हो खुशी दूर। उसके चेहरे पर खुशी देखो, खुशी उसका नाम खुशी रख दो। खुशी नाम की तेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। नहीं नहीं, इसका नाम रखूंगा लड़ाकू विमान। हाँ इसका नाम सुनियो रखूंगा, सुनियो गाइज, आप सुनियो बोला करो अब इसको, ठीक है ना? सुनियो, वो नहीं देता डोरेमोन में, सुनियो मैंने उबिता नहीं, मैंने उबिता हूँ और तू सुनियो, ठीक है ना? ज्ञान कौन है? ज्ञान तो कोई है ही नहीं, मैं नहीं हूँ ज्ञान, कोई ना। चलो गाइस, ये खाना ना बनाने के बाद हम तो खाना ना खाएंगे, और अगर सोनिया घर पे जाएगी ना तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को दिखा दूंगा। और ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो प्यार से कमेंट कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।